मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन अबाउट द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस लेक्चर में हम देखेंगे, हम इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या हमारा जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है बेसिकली किस तरीके से डिज़ाइन होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, कॉलिमेटिक सिस्टम होगा, एक मोनोक्रोमेटर सिस्टम होगा, सिंपल होल्ड सैंपल होल्डर, डिटेक्टर एंड द एम्पलीफायर एंड रीड आउट डिवाइस। बेसिकली सोर्स ऑफ रेडिएशन हमें पता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, वो सोर्स ऑफ रेडिएशन की वजह से, की हेल्प से हम एक रेडिएशन एमिट करते हैं जो कि यूवी रीजन की होती है, और वो यूवी रीजन के पार्टिकुलर एक सिंगल वेवलेंथ ही हमारा जो सैंपल होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। अब ये डिपेंड करता है कितने रेंज की हमारे सैंपल में रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, वो डिपेंड करेगा कि हमारे सैंपल में कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो अलग अलग तरीके, अलग अलग रेंज में हमारी यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। और जितना ज़्यादा यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस होगा, इसका मतलब यही है कि जो हमारे सैंपल में कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ की, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज वेरी लेस। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन बाय द सैंपल। ओके, यानी कि सैंपल के एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो आउटपुट में हमें रेडिएशन मिलता है और जो हमने इनपुट डाला था, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि हमारे सैंपल की कंसंट्रेशन क्या है। ओके, सो बेसिकली अब हम इसमें देखते हैं, अगर ये हमारा, सॉरी, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है जो कि इसमें सिंपल डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया गया है। पहले हमारा क्या है, लैम्प, लैम्प हमारा क्या है, सोर्स ऑफ रेडिएशन। देन हमारा क्या है, कॉलिमेटिक सिस्टम था जो कि होता है जैसे कि लेंस। मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर क्या करते हैं, हमारे सिंगल वेवलेंथ को सिलेक्ट करके आगे सैंपल की साइड पास करते हैं। ये हमारा सैंपल क्यूवेट है जिसमें कि हमारा सैंपल प्लेस किया जाता है। उसके बाद हमारा डिटेक्टर अटैच होता है, फिर एम्पलीफायर उस रिजल्ट को एम्पलीफाई करके बहुत मतलब क्लियर करके रीड आउट हो जाएगा हमारे मॉनिटर में। ओके, सो फर्स्टली देखते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल सोर्स। ओके, जो रेडिएशन, ऐसा सोर्स जिससे हमें रेडिएशन मिलती हो, उसके बारे में हम देख रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल सोर्स, इट शुड बी स्टेबल एंड शुड नॉट अलाउ फ्लक्चुएशन। पहली चीज, जो भी हमारा, अगर हम बात करें रेडिएशन सोर्स है, उसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हमारा जो रेडिएशन सोर्स होना चाहिए वो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, शुड नॉट अलाउ फ्लक्चुएशन। वहाँ पे किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं दिखना चाहिए रेडिएशन में, यानी कि वहाँ पे कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ रेडिएशन होना चाहिए। ओके, इट शुड एमिट लाइट ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाई एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। और इसे मतलब कि जो लाइट एमिट करना होगा वो किस तरीके का होना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का होना चाहिए, ऑफ हाई एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। उसकी जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए ओवर द एंटायर वेवलेंथ रीजन इन विच इट इज यूज। और कब तक, जब तक जिस वेवलेंथ को हमने सेलेक्ट किया है उस वेवलेंथ के रीजन में ही रहना चाहिए, प्लस हाई रहना चाहिए, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होनी चाहिए और कंटिन्यूअस वहां से रेडिएशन एक यूनिफॉर्म अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। ओके, इट्स शुड प्रोवाइड इंसिडेंट लाइट ऑफ सफिशियंट इंटेंसिटी फॉर द ट्रांसमिटेड एनर्जी टू बी डिटेक्टेड एट द एंड ऑफ द ऑप्टिक पाथ। मतलब जो हमारी रेडिएशन एमिट होके, यानी इंसिडेंट लाइट हमारी जाके सैंपल पे पड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी इतनी सफिशियंट होनी चाहिए कि वो हमारे सैंपल के अंदर जाए, एक्साइटेशन लीड कॉज करे, और उसकी वजह से जो एक्साइटेड एक्साइटेड एनर्जी आउटपुट के फॉर्म में आएगी वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। देन वो हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन एक आइडियल सोर्स होगा। ओके, इट शुड नॉट सो फैटिग ऑन कंटिन्यूस यूज। और ऐसा ना हो कि कंटिन्यूस यूज करते टाइम पे क्या हो जाए, हमारा जो कांस्टेंट यूनिफॉर्म एनर्जी सप्लाई हो रही है, रेडिएशन सप्लाई हो रहा है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ स्लो नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए। ओके,
सो फर्स्टली हमारा होता है टंगस्टन हैलोजन लैम्प, जो कि सोर्स ऑफ रेडिएशन है. किस तरह का? यूवी रेडिएशन के लिए. ओके, इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू अ हाउस होल्ड लैम्प. अगर हम बात करें टंगस्टन हैलोजन लैम्प, वो कैसा होता है? जैसे एक हमारा हाउस होल्ड घर का लैम्प होता है. द बल्ब कंटेन्स अ फिलामेंट. हमारे बल्ब के अंदर क्या होता है? एक फिलामेंट होता है. किसका बना होता है? टंगस्टन का. फिक्स्ड इन अ इवैक्यूएटेड कंडीशन, और उसे एक इवैक्यूएटेड यानी कि जिसमें एयर प्रेजेंस ना हो, उस ग्लास के अंदर उसे क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है. एंड देन फिल्ड विद द इनर्ट गैस, और उसके अंदर हम क्या फिल कर देते हैं? इनर्ट गैस फिल कर देते हैं. द फिलामेंट कैन बी हीटेड अप टू द 3000 केल्विन, और जो फिलामेंट होगा उसे हम अप टू द 3000 केल्विन क्या कर सकते हैं? हीट कर सकते हैं. बियॉन्ड दिस टंगस्टन स्टार्ट सब्लिमेटिंग. अगर इससे आगे हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे यानी हीटिंग करेंगे, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि हमारे जो टंगस्टन फिलामेंट है वो सब्लिमेट होना स्टार्ट कर दे, यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देगा. तो उस केस में वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा. ओके, और हमारे रिजल्ट में भी डिफेक्ट आने के चांसेस होंगे. इट इज़ यूज वैन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज रिक्वायर्ड. कॉमनली ये जब यूज़ किया जाता है, जब कई पॉलीक्रोमेटिक लाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि कई तरह के क्रोमेटिक लाइट एक टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हो एक सिंगल सोर्स से. ओके ओके, सो इसके डीमेरिट क्या है, क्या डिसएडवांटेज हैं? इट एमिट्स द मेजर पोर्शन ऑफ इट्स रेडिएंट एनर्जी इन नियर आयर रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. इसकी जो एनर्जी रेडिएट होती है, निकलती है, वो ज़्यादातर हम देखते हैं मेजर पोर्शन इसका किसकी तरफ रहता है? आयर रीजन की तरफ. और हमें चाहिए कैसा? यूवी रीजन वाली रेंज चाहिए होती है. ओके, जैसे कि 400 to 800 नैनोमीटर. तो ये जनरली किसके नियर रहता है? आईआर रीजन के. ये क्वेश्चन हम जीपैट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन अगर बात करें, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प. हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प यानी इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनक्लोज्ड इन अ ग्लास ट्यूब. एक ग्लास ट्यूब होगी, उसमें क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड होगा, यानी दो इलेक्ट्रोड होंगे प्रोवाइडेड विद द सिलिका और क्वार्ट्स विंडो फॉर यूवी रेडिएशन टू पास थ्रू. और उन्हें किस चीज़ से कोटेड किया गया होगा? सिलिका और द क्वार्ट्स, जिससे कि वहाँ से यूवी रेडिएशन आसानी से पास हो सके. फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं. ओके, यानी हाइड्रोजन गैस भी एक तरह से हमारा इनर्ट गैस की तरह वर्क करेगा. ओके, तो हमें समझ में आया हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प पे क्या है? सिंगल एक हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड है, ग्लास ट्यूब होगी, उसके अंदर दो हमारे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होंगे. एक कैसा होगा? कैथोड नेचर, एक एनोड नेचर होगा. ओके, और वो जो ग्लास ट्यूब होगी वो कैसी होगी? वो सिलिका और क्वार्ट्ज की बनी होगी, जो कि यूवी रेडिएशन को ईजिली पास होने देगी इन टू आउट और आउट टू इन. ओके, वेन करंट इज पास थ्रू द ट्रफ थ्रू द दीज इलेक्ट्रोड, जब हमारा करंट हम करंट को पास करवाएंगे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, मेंटेन एट हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स. तो हम हाई वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे और वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्ज होगा, विच एक्साइट्स द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. वो क्या करेंगे? जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स अब हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्साइट करेंगे, विच इज टर्न कॉज एमिशन ऑफ द यूवी रेडिएशन. अब वहाँ से क्या रिलीज होगा? यूवी रेडिएशन इन नियर द यूवी रीजन. जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प होगा वो यूवी रीजन की रेडिएशन को एमिट करेगा इस तरीके से. ओके, दे आर स्टेबल एंड वाइडली यूज. ये बहुत ही स्टेबल होते हैं और वाइडली यूज भी किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन. सो बेसिकली इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें टंगस्टन हैलोजन लैम्प पे हम क्या कर रहे हैं. टंगस्टन फिलामेंट है जो कि एक बल्ब के अंदर है, जैसे हमारा हाउस होल्ड बल्ब होता है, उस लैम्प के अंदर हम इनर्ट गैस भर देते हैं और उसे कितने टेम्परेचर तक हीटिंग करते हैं? 3000 केल्विन तक. उससे ज़्यादा करेंगे तो वो सब्लिमेंट हो जाएगा. ओके, और ये एज अ सोर्स ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज़ किया जाता है. और इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि आयर रीजन की रेडिएशन को एमिट करता है, बट हमारा जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प है ये क्या करेगा? ये एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं. जब भी हम करंट को पास करवाएंगे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन करेगा, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिर से जाके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं और रेडिएशन एमिट कॉज करते हैं यूवी रीजन की. और ये बहुत ही स्टेबल और वाइडली यूज्ड हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन है.
नेक्स्ट इज जीनोन डिस्चार्ज स्लैम। जीनोन इट पॉजेस टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। इसमें क्या है, जीनोन में टू हमारे टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गए, जो कि ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि किससे बनेंगे, टंगस्टन से और कुछ डिस्टेंस की उससे दूरी से वो सेपरेटेड होंगे। दीज आर इंक्लोज इन अ ग्लास ट्यूब, ये भी ग्लास ट्यूब के अंदर होंगे, विद अ क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका। और किससे बने होगा, ग्लास ट्यूब, क्वार्ट्ज और द फ्यूज सिलिका, एंड जीनोन गैस उसके अंदर फिल कर दिया जाएगा अंडर द प्रेशर। ओके, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प में हाइड्रोजन गैस फिल किया था, यहाँ पे हमने इनर्ट गैस फिल किया है। तो ये मेन मेन पॉइंट हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी हिस्सा होते हैं। ओके, एन इंटेंस आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज। अब जब हम इलेक्ट्रोड के थ्रू हाई वोल्टेज का करंट पास करवाएंगे, दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ कंटिन्यूस प्लस एडिशनल इंटेंस रेडिएशन। तो ये सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, अच्छा सोर्स है अगर कॉन्स्टेंट इंटेंस हमें रेडिएशन चाहिए। इट्स इंटेंसिटी इज हायर देन द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, और इसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। यहाँ पे देख सकते हैं दो इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड, वो दोनों सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, और वो उनके चारों साइड क्या है, एक एनवेलप कोटिंग है ग्लास बल्ब की। ओके, द लैम्प सिंस ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेज। अब इसका डीमेरिट अगर हम देखें, डिसएडवांटेज, तो जो हमारा लैम्प है उसे हम हाई वोल्टेज पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज वेरी होल ड्यूरिंग द ऑपरेशन, हैंस नीड्स थर्मल इंसुलेशन। अगर बाय चांस वो बहुत ही ज़्यादा उसमें हीटिंग हो गई, तो वहाँ पे फायर लगने के चांसेस होते हैं, आग लग सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम थर्मल इंसुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा जीनोन डिस्चार्ज लैम्प। अब हम देखते हैं मर्करी आर्क लैम्प। मर्करी आर्क लैम्प क्या है, इन मर्करी आर्क लैम्प मर्करी वेपर इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एंड एक्साइटेशन ऑफ मर्करी एटम इज टर्न बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, एक ग्लास ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, मर्करी लैम्प बना रखा है, जो कि क्या होता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड रहता है, बट वहाँ पे जो गैस की फिलिंग होती है वो किसकी होती है, मर्करी वेपर के फॉर्म में रहता है। और जैसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट निकल के आते हैं, हमारे डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोड से, वो जाते हैं हमारे मर्करी एटम्स को एक्साइट कर देते हैं और वहाँ पर रेडिएशन एमिट करते हैं। डीमेरिट देखें, नॉट सूटेबल फॉर द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल स्टडीज। हम इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल स्टडीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ये कॉन्स्टेंट हमें रेडिएशन सप्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज इट डजेंट गिव द कंटिन्यूस रेडिएशन। यानी इस पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल स्टडीज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस रेडिएशन भी एमिट नहीं करती है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलिमेटिंग सिस्टम। इन दिस लेक्चर वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ द रेडिएशन। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स।